से भी कह दिया हूं कि अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो इस पे समाजवादी पार्टी धरना देगी नेशनल इंटर कॉलेज सैयद राजा में सोमवार को सुबह 10 बजे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उससे तो आप लीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जो अभिभावक नहीं दे पा रहा है, आप भी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी की मनसा है, उनके मनसा के अनुरूप कोरोना काल में लोग परेशान हुए हैं, बात तो आप भी मानते हैं। ये आरोप नहीं है, ये मैं लोग परेशान हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और सब लोग 3-3 महीने का राशन भी दे रहे हैं गरीबों को, कि लोगों को क्यों दिया जाता है? अच्छी बात है। अरे अच्छी बात या बुरी बात, उससे हमसे मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए दिया जाता है कि जब आपातकाल आता है तो सरकार मदद करती है, सरकार मदद कर रही है, सरकार आपातकाल में मदद कर रही है। 3 महीना का भोजन, 6 महीना का भोजन आप खा जा, तो वो आपातकाल का मदद कौने काम का? क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, मेरा बेटा है, मैं सक्षम हूँ, मैं दे सकता हूँ। लेकिन ये प्रशांत जी का बेटा अगर सक्षम नहीं है तो, और विकास के लिए अगर हम बच्चों से लेंगे तो सरकार हम तो का कर ली थी। अधिकारी से मिलने आए थे आपका मामला? देखिए, ऐसा है कि नेशनल इंटर कॉलेज में गरीब अभिभावक के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज, नेशनल कॉलेज, इंटरनेशनल कॉलेज में भेजने का काम करते हैं। यह नेशनल इंटर कॉलेज जो है यह गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल है, और वहाँ पे गरीब 233 रुपया में पढ़ना चाहिए, उस बच्चों से 1100 रुपया लिया जा रहा है। यह पिछले साल भी लिया गया था, जो मैं जाने के बाद वो पैसा वापस कराने का काम किया था। कार्रवाई के लिए मैं नहीं, इसलिए वादे नहीं हुआ, क्योंकि गुरु जो होता है वह गुरु होता है, उसका स्थान सबसे ऊपर होता है, इसलिए मैं गुरु के नाते पिछले बार कार्रवाई के लिए कोई मैं नहीं किया। लेकिन इस बार मैं माननीय डीएम साहब के पास मैं आया था, और डीएम साहब से मैंने कहा कि उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं डीवाईएस से भी बात किया था, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी सोमवार को वहां पर यह सब फर्जीवाड़ा के खिलाफ वहाँ पर धरना देने का काम करेगी। इस समय बड़ा कमजोर तो आज लगाती है, नहीं आप, हम ये कैसे मजबूत सरकार आपकी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कौन कहता है? मैं विरोधी हूँ, एक जानते ही हैं, एकदम विपक्षी हूँ, विपक्षी नहीं हूँ, विरोधी हूँ।